Okay, welcome to this session in which we will explain how to draw a generalized rounded rectangle. Rounded rectangle बनाने के लिए जो generalized theory है इसको आज हम जो है इस session में समझेंगे. तो आइए start करते हैं अपने lecture से. सपोज कीजिए कि हमें एक राउंडेड रेक्टेंगल जो है वो जो टर्बो सी में है वो बनाना है. अगर हमें टर्बो सी में कोई राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हम मान लेते हैं कि हम सपोज कीजिए वी आर टू ड्रॉ 100 × 150, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये बनाना है. और इसमें हमें राउंडेड कॉर्नर्स जो है तो मान लिया जाए 5 units के राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए. तो कुछ अगर ऐसा हम करने जा रहे हैं तो लेट अस सी कि क्या कैलकुलेशंस रहेंगी. तो इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण रहेगी बात वो ये है कि बजाय के जो हमारे रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं वो लास्ट पॉइंट पर ना आकर के वो कॉर्नर से यहाँ देखें आप राउंडेड शेप में हो जाएंगे. तो ये राउंडेड शेप की कैलकुलेशंस कैसे आएंगी इसको समझने जा रहे हैं. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ड्रॉ द क्वार्टर ऑफ सर्कल इन ईच ऑफ द पार्ट्स. सो इफ यू हैव दिस 100 × 150 and you require the rounding off rounded corners by 5 units, to dekhe zara ye jo corner tha left corner it should have been 100. suppose I take the corner, ye to length or breadth hai. suppose I take the upper left corner as suppose we take it as 200, 200, and the lower right corner I assume to be as suppose 400, 450. suppose now if it is this one, then what we can have is we can have the coordinates of all the points which will formulate the lines, which will formulate the upper as well as the lower lines. So this is my upper line whose starting point will be this one and this will be the ending point. In the same manner, this is the starting point and this is the ending point of the right line. This one will be the starting point and this one will be the ending point for the bottom line. And lastly, start and end of the left edge of the rectangle will be this. So let us evaluate the coordinate values for all these points. तो देखिए जरा यहाँ x की वैल्यू, अब आपको याद होना चाहिए कि जब आप टर्बो में काम करते हैं तो आपका x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और जो y एक्सिस है वो अपर लेफ्ट कॉर्नर से नीचे की तरफ जाता है, पॉजिटिव y नीचे की तरफ है. तो ओरिजिन हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है, अज्यूम करते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है. अगर ये ओरिजिन है और ये पॉइंट 200 था तो आई हैव टू इवेल्युएट दिस पॉइंट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट दिस डिस्टेंस शुड बी 5 units. सो दिस मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 200 + 5. फाइन. एंड व्हाट विल बी द वाई वैल्यू? वाई वैल्यू विल बी सेम एज दिस पॉइंट. एंड व्हाट इज दिस पॉइंट वाई वैल्यू? इट इज 200. सो इट शुड बी 200 ओनली. In the same way, now this point will be having the coordinate as, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू यहाँ 400 है तो ये पूरे पॉइंट पर 400 होगा, यहाँ भी 400 होगा. तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे x जो है it has to be 400 − 5 units. Why 5 units माइनस किए? क्योंकि हमने इस पॉइंट से पीछे की तरफ हम आए हैं. अब y वैल्यू जो है this will be the same as, this is how you have evaluated the top trimmed edge of the rounded rectangle. ठीक है, ये top trimmed edge हो गया हमारा. अब हम right side पे जाएंगे अगर हम,
तो राइट साइड वाला जो हमारा एज है वो ट्रिम होने के बाद कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे ये हम निकालना चाहते हैं. सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 50 मोर इन द वाई वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट एंड द वाई वैल्यू एक्स वाई वैल्यू विल बी 400 200 एंड देयरफॉर दिस वन विल बी 400 200 + 5. इट्स वेरी वेरी इजी. नाउ हेयर यू विल हैव 400, here y value is 450, therefore you have to move 5 units backwards, that is 450 minus 5. I hope it is very very clear to you. Now coordinates of this point will be 400 minus 50, oh, sorry 5, and y value will be same as the y value of the point, which is 450. Now coordinate of this point will be 200 plus 5 comma 450, and this point will be evaluated as the points will be 200 comma it will be 450 minus 5. Fine. So this is the hard coded value. Now can we write down what will be the actual values if we take the general values of the rectangle. So if I assume that I am to make the rectangle with the coordinates say x1 y1 comma x2 y2, and suppose r is the rounded arc which we need to construct in the rounded rectangle. So the coordinates should be x1 plus r comma here it will be y1. Now this coordinate, as you have already seen it, 400 comma something, so it will be x2 minus r comma it is y1. 200 is corresponding to y1. Now this point, the right edge will be given by it is x2 comma y1 plus 5, and the lower corner will be having the generalized coordinates as x2 comma y2 minus r. Here also it should be r. It is x2 comma y1 minus r. It is r here. Now the left point, sorry, the right point of the lower corner, lower edge, will be given by it is x2 minus r comma y2. This one will be x1 plus r comma y2. This coordinate will be x1 comma y2 minus r, and this point will be generalized as x1 comma y1 plus r. So these are the generalized coordinates of all the edges. Now I also have to evaluate the center of all these arcs which I need to construct on the corners. ये जो corners पे हमें arcs बनानी है, इनके center के coordinates भी हमें evaluate करने होंगे one by one. So let us start from this one. तो पहला जो कॉर्नर है इसके कोऑर्डिनेट अगर हम निकालने हैं तो इस पॉइंट का, ऊपर वाले पॉइंट का एक्स ले लें और ये लेफ्ट वाले पॉइंट का वाई ले लें, तो एक्स और वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो इस जो हमने एक्स और वाई वैल्यूज लेके हमने पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले वो हमारे पास आ गए हैं x1 plus r comma y1 plus r, जो कि इस पॉइंट की एक्स वैल्यू है और इस पॉइंट की वाई वैल्यू. सिमिलरली मैं सेकेंड पॉइंट के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहूँ तो ऊपर वाले पॉइंट की एक्स वैल्यू लूंगा और नीचे वाले पॉइंट की वाई वैल्यू लूंगा, x2 माइनस आर कॉमा y1 प्लस आर हो जाएगा. यहाँ पे देखें आप, अब हम तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इवेल्युएट करते हैं. दिस विल बी अगेन देन x2 माइनस आर कॉमा y2 माइनस आर. आखिरी पॉइंट के सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस आर कॉमा y2 माइनस आर. So these will be the center coordinates of this point.
तो इस तरह से आप देखें कि हमने चार लाइंस जो हैं वो निकालेंगे पहले, और उसके बाद हम इस पे राउंडेड कॉर्नर्स जो हैं वो जोड़ देंगे। जब हम ये राउंडेड कॉर्नर्स जोड़ेंगे और लाइंस बनाएंगे, वो एक रेक्टेंगल के लिए बना सकते हैं हम। अब राउंडेड रेक्टेंगल जिसमें कि पहले हमें x1 y1 दिया है अपर लेफ्ट कॉर्नर, और दूसरा हमने हमें x2 y2 दिया है जो लोअर राइट कॉर्नर है, और r जो है वो दिया हुआ है हमें द नंबर ऑफ पिक्सल्स जो कि राउंड ऑफ राउंड करने के लिए, कॉर्नर को राउंड करने के लिए हमने इस्तेमाल करने है। तो इस तरीके से आप जो है इस काम को पूरा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, और इन्हीं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके मैं एक अगली वीडियो बना रहा हूं जिसको आप जरूर देखें कि सी में ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी जानना चाहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को सी में इंप्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू।